खाना और मैं अपने लिए भी। सूरत वादियों से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं सुनिधि आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आई हुई अपने मायके, मतलब कल ही आ गई थी। तो आज है मेरी दादी की बरसी। बरसी होती है जब निर्धन हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके एक साल बाद होती है। तो कुमाऊँ में रीति रिवाजों से की जाती है। तभी मेरे पापा लोग किसी त्यौहार को नहीं मनाते थे, क्योंकि एक साल पहले इसी टाइम पे मेरी दादी की ही डेथ हो गई थी। और यहाँ पीछे है हमारे मेरी लड़की और भदेव, वो खुश भी हो रहा है। तो हम, मेरी दादी मेरे व्लॉग्स में बहुत है, हम अपने फ़ोन में हमेशा दादी को देखते रहते हैं। मतलब एक याद जैसी रह जाती है दादी की। और ऊपर चल रहा है आज पूरा, जो भी लोग आए होंगे उन सबको निमंत्रण दिया जाता है। बहुत रीतिवाज से सब कुछ किया जाएगा। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। मैं तो स्कूल चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, स्कूल चली जाऊंगी। मैंने भाभी से कहा कि थोड़ा बहुत व्लॉग बना देना करके, देखते हैं भाभी व्लॉग बनाती हैं या मैं ही बनाती हैं। और यहाँ देखो गौरांश लगा हुआ है अपने उस काम का। गौरांश, गौरांश की याद आती है कि नहीं भाभी आपको? हाँ, बुढ़ी दादी, बुढ़ी दादी सबसे अच्छा सोमी लोगों को मानी। सोमी, आपको बुढ़ी दादी की याद आती है कि नहीं? आती है, आती है। आपको कैसी, कैसा लगता है अब घर आके? गंदा गंदा सा आती है। मैं तो, हम जब से बुढ़ी दादी गई हम बहुत कम आते, क्योंकि बुढ़ी दादी बहुत 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 हंसाती थी हमारी दादी। बुढ़ी दादी तो इनकी है, हमारी तो दादी है। जिया जी, आपको आती है हमारी दादी की याद? बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा मानती थी। हाँ, सभी को अच्छा मानती थी। नहीं, मुझे ज्यादा अच्छा मानती थी। हाँ, सभी को अच्छा मानती थी। अब मम्मी से पूछते हैं, उनकी बहू रानी से, कि अपनी सासु नहीं याद आ रही है। कामकाज में दादी के नाम का खाना वाना थोड़ा बहुत बना रही है। यहाँ पे इमली उबालने के लिए लगी है, या आम छोड़। मम्मी, आपको अपनी सास की कितनी याद आती है? बहुत। हाँ, ऐसा लग रहा है फिर आज दादी का वो है। हाँ, बहुत अच्छे से हो जाए आज दादी की। और ये है मेरे चाचू। चाचू हाय तो बोलो। हाय। कैसा हो रहा है? फिर आपको अपनी इजा की याद आ रही है कि नहीं? बिल्कुल। एक सासू माँ और ये है मेरी बुआ। बुआ, आज आपकी मम्मी की बरसी है, तो कैसा लग रहा है आपको? याद आती है कि नहीं अपनी मम्मी की? माई के आते तो मम्मी की याद आती है। और तुम तो संग है भैया। संग है भैया, क्यों? बड़ी मम्मी है मेरी तो। बड़ी मम्मी है तुम्हारी तो? के ठुलिया कहने वाली है। घर को जाते हैं, चल जाओ तुम। तेरे साथ आती हूँ आज। नहीं ले जा, नहीं 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 ले जा रही हूँ। देखो मेरी ब्यूटीफुल बुआ, मेरे दादाजी और ये मेरी दादी। बहुत सारे व्लॉग्स में भी है, ये भी मेरी दादी हैं। रहा है इतने बड़े बड़े पतीलों पे खाना रख दिया, खाना बन रहा है। अभी पंडित जी आएंगे, वही खाना बनाएंगे। और बाहर पूरे गांव वाले लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सब लोग थोड़े यहाँ, चाचू लोग, वो पुराना तांबे का जो है वो बहुत टाइम पुराना, उसमें बना रहे खाना। और अधे चाचू लोग लगे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे चाचू। ये बहुत पुराना तांबे का है ना? कब का होगा चाचू ये? हाँ, इसमें बनाते हैं ना खाना? तो पहले बाहर भी बनता था। तो यहाँ सब चाचू लोग लगे हैं ये। हाँ, ये तांबे में बनता था, सिल्वर वाला ये। तो यहाँ सब लगे हैं गांव वाले मेहनत में। ये मेरे जीजा जी, हाय पापा। यहाँ ये सब सब्जी वगैरह काट रहे हैं। यहाँ हमारा वो भाई, ये देखो। हेलो हेलो। हाँ, मंदिर से वापस। और घर पे भी खाना बन रहा है, मतलब अलग से खाना भी बनता है, क्योंकि ये खाना बनता है बाहर वालों के लिए। सब जो ये ऊपर बन रहा है, और जिसने क्रिया की होती है, मतलब जो एक साल तक जिसने क्रिया की होती है, वो अपना अंदर ही खाना बनाता है और अंदर ही खाता है। तो बड़े पापा और बड़े मम्मी ने की थी, तो वो लोग अंदर ही बना रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घर को, देखती हूँ अभी घर को जाके पानी लगाया हुआ है शायद मम्मी ने, नहा लूँगी। उसके बाद मैं भी तैयार होकर स्कूल को निकलूँगी।
ऐसा ही होता है, सारे लोग मिलजुल के ही काम करते हैं, तो सब लोग सब्जियां काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर पंडित जी आएंगे, वो खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना पंडित जी ही बनाते हैं हमारे यहाँ। तो अभी मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए, और अब आपको जा रही हूँ ब्लॉग बनाने का, सोमी को और उसकी मामी को बनाएंगे ना सोमी, हाँ तो ये ब्लॉग बनाएंगे और बोलेंगे भी, अभी पूजा हो रही है, अभी ये हो रहा है, जो करना है जैसे बनाना है आपको वैसे बनाना है। हाँ ठीक है, ओम भगवद्राय नमः, ओम भगवद्राय नमः, ओम भगवद्राय नमः, ओम शिवाय 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 नमः। बच्चों ने क्या क्या रिकॉर्ड किया, मैं तो आ गई हूँ स्कूल से और मेरी बिटिया रानी ने रिकॉर्ड किया। मैंने कुछ नहीं करा। क्या क्या किया है बताओ, जल्दी बताओ। ओके इतना ही चाहिए था बस, तो उसने बनाई है, और अब मैं ऊपर भी बहुत सारे मेहमान आए हैं घर पे भी, तो आपको ऊपर लेके जाऊंगी तब दिखाऊंगी कितने सारे मेहमान आ रखे हैं। और हाँ ओके कोई बात नहीं, तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर दिखाऊंगी, ऊपर अभी पंडित जी लोग खा रहे हैं, हाँ वो लोग खा लेंगे, डंगरिया लोग खा लेंगे, तो उसके बाद ही खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है औरों में, तो फिर सब खाएंगे। तो अभी मैं भी जाने वाली हूँ, और घर पर बहुत 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 सारे रिलेटिव्स आए, बहुत सारे मेहमान आए मेरी दादी के ओकेजन पे। अब ये मेरा भाई है और जीजा जी भी आए। जीजा जी आपको याद आ रही है कि नहीं आमा की? आमा की बहुत याद आ रही है, दिल से याद कर रहा हूँ। पतिदेव तुम कंटेंट मिल गए हैं? हाँ ठीक हो, कल कितने बजे पहुँचे? ये देखो हमारी दीदी, हेलो, आपको कितनी याद आ रही है हमारी आमा की? बहुत याद आ रही है। अब खाते खाते याद आई। आमा जा रहे खुश रहे, आमा जा रहे खुश रहे, बोल रहा हूँ। सही बात है, आमा व्लॉग्स में भी है, हर कोई देख सकता है, अगर किसी को ये बहुत ज्यादा याद आ रही है। नहीं नहीं, पुराने व्लॉग्स में आमा, आमा फोटो भी डालती है बैठी हुई आमा की, मनीष ने पुराने व्लॉग्स में देख सकते हो जिसको आमा की याद आ रही है। खाना और मैं अपने लिए भी लेके आ गई हूँ, और यहाँ दीदी बैठी हुई है, और यहाँ भी मेरी दीदी है, और ये है हमारी चेली सब आए, तो खाते हैं खाना। आज पूरा परकी गया है, और मेरी बुआ तो रेस्ट में भी बैठ गई है, और हमारा गौरांज बहुत अच्छा खाना बना था ना बुआ? हाँ, बहुत अच्छा। बुआ थक गई है, बुआ के सर में दर्द हो रहा था लेकिन खाने से ठीक हो गया, और मेरे भी सर में दर्द हो रहा था, और यहाँ पीछे है गौरांज, गौरांज से देख, गौरांज से गोली। कैसा हुआ खाना, कैसा हुआ? इससे मत सुनो। कैसा हुआ बा, कैसा हुआ खाना? अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा हुआ। बुड्ढी दादी को कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं ये बुड्ढी दादी को ऐसे प्रणाम करते हैं। चेंज कर लिया और मौसम की आवाज आप सुन ही सकते होंगे, तो आज दादी की बरसी है, और उस देखो बारिश भी होगी, मतलब शुभ माना जाता है हमारे यहाँ, बारिश के छींटे पड़ते हैं, तो बहुत अच्छा हो गया बारिश हो गई, और बारिश जो है हमारे यहाँ बहुत टाइम से नहीं हो रखी है, मतलब हो गए होंगे लगभग 4-5 से भी ज्यादा महीने हो गए मुझे लगता है, तब से बारिश नहीं हो रखी है। चले गए, वाह मेरी बुआ मेरा व्लॉग देख रही है, मेरी बुआ मेरे व्लॉग्स देख रही है, हमारी नाती होने वाला नहीं, कौन सा वाला, ट्विंस बेबी वाला व्लॉग देख रही है, क्योंकि बुआ 2 दिन से व्यस्त थी, और मौसम जो है वो कुछ ऐसा हो चुका है, बारिश तो बंद हो चुकी है लेकिन मौसम बहुत 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 अजीब हो रहा है, मम्मी मुझे जाने नहीं दे रही, और पतिदेव अकेले हैं, देखो क्या ही जो होता है। और तो कुछ नहीं, मेरे गौरांज के घूमने का खर्चा हो रहा है ना, और आज ना ना बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, जा रहा हूँ को मैं घूमने। कैसा खाना हुआ था, कैसा खाना हुआ था बुद्धि दादी का? जय बुद्धि दादी जय ना, ये रोज सुबह उठ के अपनी बुद्धि दादी की फोटो है ना वहाँ पे हमारी दादी की, तो उसको जय करता है, और कहते बुद्धि दादी आ जा को, बुद्धि दादी को बुला दे, आजा आजा को, हाँ आजा आजा बुद्धि दादी, जब आप हुए थे ना तो बुद्धि दादी आई थी।
मायके से मैं आ गई हूँ वापस। वैसे आप वापस आने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी वापस आ गई हूँ। और अब यहाँ पे भी पतिदेव अकेले थे तो आना तो था ही, तो इस वाले व्लॉग का भी एंड कर देते हैं। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाइएगा।